अब हम राउल्स का सेकेंड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड लॉ छोटा सा है, बोल। देखो बेटर तो होगा आप वहाँ से लिख दो, लेकिन अगर आपकी आपकी स्पीड स्लो है तो फिर स्टेटमेंट से लिखना, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप वहाँ से लिखें तो फिर शुरू से ही लिखना पड़ेगा, फिर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगर आर एल वी पी आए तो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन राउल्स लॉ आए तो वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। राउल्स लॉ भी एक और बच्चा हो गया, दोनों लिखने पड़ेंगे। फिर अगर वो सीधे सीधे बोल दे कि राउल्स लॉ तब निकालिए जब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, तो फिर यही लिखना है। और अगर ऐसा बोल दे कि राउल्स लॉ तब निकाली जब सल्यूट भी वॉलेटाइल है, तो अगला वाला लिखना है। लेकिन 99% चांस है कि ना तो वो नॉन वॉलेटाइल बोलेगा ना वॉलेटाइल, वो सीधे बोलेगा राउल्स लॉ लिखिए, ठीक है। ये वाला बन जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अभी हम रिवाइज करा देंगे, परेशान मत होइए, पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। कोशिश करेंगे 7-8-9 दिन में आपका चैप्टर एंड कर दें, फिर 2-3 दिन न्यूमेरिकल लगवाएं, फिर 1 दिन रिवीजन कराएं, और फिर फाइनली टेस्ट। और फिर ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। चलिए डालिए हेडिंग नंबर 2, राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट। अभी हमने राउल्स लॉ कब पढ़ा था जब सल्यूट कैसा था, अब राउल्स लॉ पढ़ना है वॉलेटाइल सल्यूट के लिए। जब राउल्स लॉ हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए पढ़ा था, पी एस इक्वल पी ए प्लस पी बी। यहां देखो बच्चों, जब राउल्स लॉ हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए पढ़ा था तो इसको तो हमने सीधे सीधे क्या मान लिया था, निगलेक्ट, मतलब पी एस किसके इक्वल हो गया था, पी ए। लेकिन अगर सल्यूट वॉलेटाइल हो गया तो फिर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, इसका भी तो पेपर प्रेशर होगा। तो पी एस किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगा। अब फिर से सुनो, जब राउल्स लॉ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए था, मतलब ये तो नॉन वॉलेटाइल था तो इसका तो प्रेशर बनेगा नहीं, तो पी एस इक्वल पी ए के हो गया था। अब सल्यूट भी वॉलेटाइल हो गया, मतलब इसका भी प्रेशर बनेगा, तो फिर पी एस किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट, अब सर सल्यूट कौन से वॉलेटाइल होते हैं, सीधा सा आंसर है, अगर हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड हो जाए और सल्यूट भी लिक्विड हो जाए तो लिक्विड आर जनरली वॉलेटाइल। जैसे हमने कहा सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ सॉल्ट हो गया नॉन वॉलेटाइल और वाटर क्या होगा, वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वाली बात हो गई। लेकिन हमने बोला एथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, अब एथाइल एल्कोहल सल्यूट हो गया और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, तो यहाँ सल्यूट भी वॉलेटाइल हो गया एंड सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं राउल्स लॉ जो वॉलेटाइल सल्यूट के लिए हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सल्यूशन जो बना होगा उसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल होंगे, दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड होंगे। दोनों कंपोनेंट्स का मतलब सल्यूशन का एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है ना सल्यूशन सॉल्वेंट। तो राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं किसना ब्रैकेट में, फॉर लिक्विड लिक्विड फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सही बोला किसना हमने, ऐसा सॉल्यूशन जो किससे मिलके बना होगा, लिक्विड लिक्विड से, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड।
बहुत सिंपल तो है ये, बहुत सिंपल है, अभी ख़त्म हो जाएगा। अब अच्छा लिख लो इतना। देखो जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ा था तो इसको नेगलेक्ट मान लिया था और ये आ गया था। फिर इसको हमने कैसे निकाला था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना क्या है उसका मोल फ्रैक्शन, और इसको सॉल्व करते गए थे तो हमें क्या मिल गई थी, आर एल वी पी मिल गई थी, सही है। इसको निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी थी, यहाँ देखा करो बच्चों आप लोग प्लीज़, जब हम कहें तभी लिखा करो। फिर से सुनो, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउट्स लॉ डिराइव किया था तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि ये तो निगलेक्ट हो गया था। तो पी एस किसके इक्वल हो गया था, पी ए। अब हमें पी एस या पी ए निकालना था तो इसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला कि ए का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितने उसके मोल्स होंगे। सीधी सी बात है ना, एक गिलास पानी होगा तो उसकी वेपर एक गिलास पानी के बराबर बनेगी, 50 लीटर पानी होगा तो 50 लीटर के बराबर पानी वेपर बनेगी। मतलब जितना ज़्यादा ए का मोल्स होगा उतना ही तो ज़्यादा ए का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। और जितना ज़्यादा ए का मोल फ्रैक्शन आ रहा मतलब अमाउंट ए का उतना ज़्यादा आ रहा, और जितना ज़्यादा ए का अमाउंट होगा उसकी वेपर भी तो उतनी ही ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर। तो यहाँ सीधे पी ए इक्वल एक्स ए हो गया था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन क्या इस केस में हम सिर्फ इस वैल्यू से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वॉलेटाइल है, तो बस ख़त्म है। जब पी ए इक्वल एक्स ए था तो पी बी मतलब प्रोपोर्शनल एक्स ए था तो पी बी प्रोपोर्शनल, पी ए प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो क्या आया था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या जाएंगे, पी नॉट बी, ख़त्म फॉर्मूला। तो पी ए की वैल्यू कहाँ रख देंगे और पी बी की यहाँ, ये राउल्स का सेकेंड लॉ ख़त्म। इतना ही तो है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या कह रहा है सेकेंड लॉ, कि अगर सॉल्यूट भी वॉलेटाइल हो गया, मतलब सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट है वो वॉलेटाइल हो गए, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल आएगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल आएगा, और टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। सीधी सी बात है, क्लियर। ए हो गया राउल्स का सेकेंड लॉ। तो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये देख पंच लाइन है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स। हालांकि सेकेंड फर्स्ट कोई नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकेंड मान लो। राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द, अच्छा ये बताओ इसको हम पढ़ेंगे क्या, टोटल वेपर प्रेशर पढ़ेंगे कैसे, पार्शियल, किसका पार्शियल, ए का, ए किसका, बी का, पार्शियल मतलब उसका खुद का। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना है, तो आंसर है 1 atm, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पार्शियल किसका लग रहा है, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78% है आपकी। फिर सेकेंड नंबर पे किसका लग रहा, 21। थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को, जैसे हमने कहा पृथ्वी, ये हमारी अर्थ मान लो, अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो किन के कारण लग रहा है, गैसेस के कारण, जिसमें सबसे ज़्यादा N2 है, फिर O2 है, फिर CO2 है, और फिर प्लस अदर गैसेस है। N2 अराउंड 78%, O2 अराउंड 21, इन सभी गैसेस का प्रेशर मिलके कितना होता है, 1 atm। तो ये तो टोटल वेपर प्रेशर कहलाया। अब इस 1 atm में किसका किसका प्रेशर मिल रहा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, CO2 का, तो इसका जो खुद का प्रेशर है ये कहलाएगा पार्शियल, मतलब उसके खुद, पार्शियल मतलब होता है स्वयं का, जी उसका, और टोटल मतलब सबका। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कब निकाल सकते हैं, जब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हमें कंपोनेंट ए दैट इज सॉल्वेंट पता हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी सॉल्यूट पता हो। तो ए पता करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा हमें, कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के,
और कंपोनेंट बी का किसका होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के इक्वल, यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नहीं ऐसे दा से नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सिंपल करके ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when both the components and both the components, बताओ क्या बोला है हमने यहाँ पर, दोनों कंपोनेंट से मतलब हमारा क्या है, सॉल्यूट एंड, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस कॉन्सेप्ट दिस स्टेटमेंट when both the components are volatile, दीपा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है, मतलब दोनों क्या बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल देन पार्शियल वेपर प्रेशर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट से मतलब सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का, then partial vapor pressure of each component will be directly proportional किसके सिफा, अपने ही मोल फ्रैक्शन के, कंपोनेंट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ना लिख देना कोई, है ना, घर्षण हो जाएगा वो, ये फ्रैक्शन है मतलब रेशियो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए तो इनकी बात लिख देते हैं, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, दोनों ही कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, मतलब बी ए भी वॉलेटाइल है, देखते जाना, एंड पी बी भी वॉलेटाइल है, then according to this concept when both the components are volatile then partial vapor pressure of each component directly proportional to its mole fraction, note kariye, yahan par ek cheez likh lena, जब ये स्टेटमेंट डालते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ना, ध्यान रखिएगा, तो ये कहीं पर ब्रैकेट में अच्छे से लिख देना, बता देना कि इन चीज़ों को कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब आगे का हमें बताएं कि दिव्यांशी, बताओ दिव्यांशी आगे क्या करें, पी ए इक्वल पी पी ए इक्वल कनिष्क पी इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालेंगे तो क्या आएगा बताओ, कल तो किया है हमने, कल प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाला तो क्या आया था, कहाँ कनिष्क, कहाँ हो भाई कनिष्क, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से बताओ क्या आया था,
क्या आया था प्रिफर्ड साइट आया था, पी ए आया था, पी नॉट ए। चलो अब अपर्णा बताएगी, बताओ अपर्णा, पी ए इक्वल, पी ए प्रोपोर्शनलिटी हटाया इक्वल तो क्या आएगा, पी नॉट ए। थोड़ा तेज बोला करो अपर्णा, आपकी आवाज़ वहीं से वापस चली जाती है। इंटू एक्स ए, इसको और बता दो। इंटू हाँ थोड़ा तेज, ठीक है चलो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है गलत हो जाए, अपर्णा ने लिखवाया है, जब गलत हो तो अपर्णा के पास जाना। ऐसे लिख लो, एक साइड ये लिख लो, एक साइड ये लिख लो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। ये तभी हो सकता है जब ए भी वोलेटाइल हो और ए भी वोलेटाइल हो, तो ए तो हो गया। अब लिखेंगे हम यहाँ से फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, बच्चे बेचारे परेशान हैं, साइंटिस्ट तो बना बना के चले गए, कभी डाल्टन्स कभी राउल्ट कभी हेनरी, हाँ बताओ बताओ डाल्टन्स ने क्या बताया था, टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताया था, पी एस और पी टी इक्वल पी ए प्लस जब नॉन वोलेटाइल के लिए था तो पी भी था ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ आ गए थे तो सिर्फ हमें पी ए की वैल्यू निकालनी पड़ी थी, समझो बच्चों, जब नॉन वोलेटाइल के लिए था तो ये वैल्यू हमें निकालनी ही नहीं पड़ी थी क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल था, तो पी एस और पी ए, तो सिर्फ हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, पी ए इक्वल पी नॉट ए, सॉरी पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, फिर पी ए इक्वल और एक्स ए की जगह क्या रख दिया था, वन माइनस एक्स वी, फिर सॉल्व करते चले गए थे तो हमें मिल गया था आर एल वी पी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं क्योंकि इसमें दोनों का है तो अब दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये यहाँ से इसको डिब्बे में बंद कर दें ऐसे, तो बताओ भाई पी एस पी ए की जगह पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी की जगह पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, पी एस इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसको हमें अगर ये वैल्यू हमें इतना पता चल जाए और इतना पता चल जाए तो हम इसको सॉल्व कर जाएंगे। अब एक्स ए अगर नहीं बताया गया होगा तो एक्स बी बताया गया होगा, तो वन माइनस एक्स बी कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक्स ए, हम जानते हैं वी नो दैट सभी मूल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वन होता है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला कैसे जाएगा आगे, ये फॉर्मूला दो तरीक़ों से आगे जा सकता है, देखिए कैसे, पी एस इक्वल पी नॉट ए, हो सकता है हमें एक्स बी की वैल्यू बताई हो तो हम एक्स ए की निकाल लेंगे, तो एक्स ए कितनी आ जाएगी, वन माइनस ये एक्स बी, तो हम इस एक्स ए की जगह क्या रख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी रख सकते हैं। आगे क्या बचा, पी बी सॉरी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, एक तो ये फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, दूसरा ये केस हो सकता था कि हमें एक्स ए की वैल्यू बताई गई हो तो फिर एक्स बी निकाल लेंगे, एक्स बी कितना आएगा, वन माइनस एक्स ए, इसके इक्वल आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ,
पी एस इक्वल बताओ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी और वन माइनस एक्स। चलिए नोट कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं। ये राउल्स के दोनों लोग ख़त्म होते हैं। इनको साइड में कहीं ऊपर लिख लेना, यहाँ पर साथ ना हो। आप चाहो तो सिर्फ एक भी लिख सकते हो, इसी से दोनों बने हैं। हम समझा देते हैं। सृष्टि समझ में आया, बन जाएगा। इसमें नहीं, सिर्फ आर एल बी पी से। ये तो राउल्स का सेकेंड लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन थी, आर एल बी पी, उसी इसमें नहीं आएगा मॉलिक्यूलर मास। देखो दिव्यांशी, पी एस पी ए की वैल्यू यहाँ रख दी तो पी नॉट इन टू एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू यहाँ रख दी पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स ए की जगह क्या रख सकते थे हम, वन माइनस एक्स बी, तो एक्स ए की जगह रख दिया हमने वन माइनस एक्स बी, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। या फिर दूसरी बार हम क्या रख सकते थे, एक्स ए की वैल्यू ना रखें एक्स बी की रख दें, तो एक्स बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी, वन माइनस एक्स ए, ये हो गया। ठीक है, बस राउल्स के लॉ में यहाँ दो पॉइंट बचे हैं और राउल्स का लॉ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग लिख के आने एग्जाम में, लिखिए की पॉइंट्स। कल का टॉपिक की तैयारी हो रही है यहाँ पर, की पॉइंट्स। आपको पता है राउल्स ने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बताए हैं अपने लॉ के बाद। अच्छा, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्स ने कब बताए हैं, जब सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट क्या हों, लिक्विड हो, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो राउल्स कहते हैं ऐसे लिक्विड लिक्विड के सोल्यूशन जो हमारी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे मतलब टोटल सोल्यूशन का प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए किसके इक्वल आएगा, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, और सॉल्व कर दोगे तो ये। तो राउल्स कहते हैं जो हमारी बात मानेगा, जो उनने कहा तो वो क्या कहलाएंगे, आइडियल, और जो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो राउल्स का की पॉइंट्स फर्स्ट यहाँ पर ये है, लिक्विड्स सल्यूशन, लिक्विड सल्यूशन कौन से वाले, जो अभी पढ़े, आइडियल सल्यूशन पहले वाले से नहीं आएंगे, किस वाले से आएंगे, दूसरे वाले से। लिक्विड सल्यूशन ओबे, जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखना तो कैपिटल लेटर से लिखना, ओबे राउल्ट्स लॉ, कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। तो आप लोग बता दोगे आजकल आइडियल सोल्यूशन कौन है, जो राउल्स के लॉ को क्या करे, माने, और जो राउल्स को लॉ को नहीं मानेंगे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहला की पॉइंट ये ध्यान रखना है। वैसे एक लाइन, एक और पॉइंट बचा की पॉइंट, और राउल्स के दोनों लॉ खत्म। पॉइंट नंबर सेकेंड देखो, ये ए लिक्विड है और ये बी लिक्विड है। अब लिख रहे हैं, अभी लिख लो तुम लोग, फिर चले आएंगे। ए लिक्विड है, बी लिक्विड है, तो ए के मोल्स होंगे एन ए और बी के मोल्स क्या होंगे, एन बी। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन बी इक्वल एन ए प्लस
तो ये मिल जाएगा एक्स ए और ये मिल जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर, ए मोल फ्रैक्शन जो हम निकाल रहे हैं वो कहाँ निकाल रहे हैं, लिक्विड्स में। ए मोल फ्रैक्शन हम लिक्विड्स में निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों वोलेटाइल हैं तो इनकी तो क्या बन जाएगी, वेपर। तो कुछ ए उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, कुछ बी उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो यहाँ भी तो ए के मोल होंगे एन ए, और यहाँ भी तो बी के मोल होंगे एन बी। तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे। लेकिन अगर वेपर फेज हो गई तब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वेपर फेज के लिए ये वाला काम फॉर्मूला नहीं चलता है, दूसरा फॉर्मूला चलता है। हालांकि ये क्वेश्चन एक दो ही पड़े हैं आपके एनसीईआरटी की बुक्स में, तो अभी भी आपसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। लेकिन अगर साफ साफ लिख दे कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है तब यहाँ निकालना है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो हम बताते हैं आपको। तो लिखिए, हम लिखेंगे पॉइंट की पॉइंट सेकेंड लिखेंगे हम, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ए नंबर है इन लिक्विड फेज, बताओ कैसे निकालेंगे। एक्स इक्वल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स डी इक्वल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा, वन। जे लिक्विड फेज में है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे, हवा में पहुंच गया वेपर बन के मोल पहुंच गए तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए इन वेपर फेज एक ही एक या दो क्वेश्चन पड़े हैं एनसीईआरटी में इसके, तो देखो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का साइन हम चेंज कर देते हैं। देखो वेपर फेज में हम एक्स की जगह क्या मान लेते हैं, वाई, समझ में आ रहे हो। ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस में लिखा हुआ है, वेपर फेज में, और एक्स से मतलब लिक्विड फेज, साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो वेपर फेज में कौन सी चीज़ डेवलप हो जाएगी, प्रेशर। तो आपको क्या करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका वेपर प्रेशर लेना है, और नीचे हम क्या रखते हैं टोटल, वहाँ टोटल मोल सकते थे, यहाँ टोटल क्या रखेंगे प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर मतलब किसका, पी, हाँ बिल्कुल सही, पी ए प्लस पी बी, ए हो गया। अब इसका फॉर्मूला बताएगी हमें महक, बताओ कब वेपर फेज में बी का निकालना है महक, तो है महक नहीं है, नहीं आया समझ में। देखो वेपर फेज में वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो इसका प्रेशर पी ए और इसका प्रेशर पी बी। तो अगर वेपर फेज में हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, और अगर बी का निकालना है तो उसका प्रेशर अपॉन टोटल, इसकी जगह हम पी एस की जगह और क्या लिख सकते थे, पी ए प्लस पी बी लिख सकते थे। और अगर एक मिल गया है तो फ्रैक्शन, तो दूसरा हम निकाल लेंगे ना, अगर एक मिल गया बच्चों तो दूसरा निकाल सकते हैं, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल वन। तो फिर से समझाते हैं बच्चों, लिक्विड फेज में मोल्स के रेशियो से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, लेकिन वेपर फेज में क्या बनने लगेगी, वेपर, तो वेपर के फ्रैक्शन से तरीका वही है, एक के मोल टोटल मोल्स, एक का प्रेशर टोटल प्रेशर, ऐसा। और सम क्या होगा, ये
अब आप लोगों का एक लास्ट